इस इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि 200 ट्रायल 24 अरब रुपए के केसेस और इस इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी उसको इलेक्शन लड़ने की? कौन से दुनिया के मुल्क में इस तरह के चोरों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलती है? किधर था ये इलेक्शन कमीशन तब? एक एक चीज ढूंढ के आप बता रहे हैं जी वो किसी ने कोई $100 दिया, वो फॉरेन फंडिंग हो गई। ये नहीं आपको नजर आया कि मुल्क के डाकुओं को आपने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है? और आपने बाकियों के देखे 60% कैबिनेट जमानत पे है। कौन से मुल्क के अंदर जमानत पर लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाती है? किधर थी इलेक्शन कमीशन तब? और इनके साथ मिलके मुझे अफसोस होता है कि ये हमारा 22 करोड़ का पाकिस्तान है, अजीम ख्वाब पाकिस्तान, उसके ये लोग बैठे हुए फैसले करने वाले, और इनके पीछे भी वो लोग जो हैं जाति अना के लिए और अपने मफादात के लिए वो ये मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। ये शैतान के चेले बड़े खुश हुए हैं कि जनाब वो मौका मिल गया, रास्ते से हटाने का इसको मौका मिल गया। वैसे तो ये हटता नहीं है, जो मर्जी कर दो ये अवाम इसके साथ खड़ी हो गई है, कौम बेदार हो गई है, तो चलो आप टेक्निकल नॉकआउट करो, किसी तरह कोई चीज पकड़ लो। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये जो प्राइम मिनिस्टर या क्राइम मिनिस्टर और उसका जो अभी बेटा वहां से हटाया है पंजाब से, 24 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, यही इलेक्शन कमीशन थी।